और खा जा। तुम सच में ते जाऊंगा तो जय जगन्नाथ गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम उड़ीसा एंड वेलकम आई लेपट में ब्लैक चैनल मिडिल क्लास सिंगलर का ब्लैक्स। अभी जो है ना सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं मस्त उठ गया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरी जैकेट है, लेकिन मैं अब भी जाऊँगा मॉर्निंग वर्क करने। तो मैं गांव में नहीं हूँ, देख सकते हैं ये मेरा रूम है और मैं हॉस्टल में आ गया हूँ। हॉस्टल वीडियो नहीं बना तो चलते हैं फील्ड में और दिखाते हैं क्या है भाई खोर्धा की ब्यूटी सुबह सुबह और इस कोल्ड सीजन में। अब भी रूम से बाहर आ चुका हूँ, देख सकते हैं पूरी हॉस्टल आपको दिख रहा है यहाँ पर। भाई कोई भी नहीं उठा क्योंकि इतनी सुबह है और ठंड गजब की पड़ रहा है यहाँ पर। भाई ठंड लग रही है, मुझे जैकेट नहीं लाया क्योंकि वहाँ पर जो रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है और ये हमारी लोकेलिटी नहीं है कि जैकेट वहाँ पर रख के कहीं पर चले जाऊँ, इसलिए ऐसे ही आ रहा हूँ। देख सकते हैं टी शर्ट और भाई इस तरह से चलते हैं। अभी फील्ड में रनिंग करना है, फिर रनिंग करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गेट जो है ना हॉस्टल की नहीं खुली थी इतनी सजा, मैंने वार्डन अंकल को बुलाया तो वार्डन अंकल ने गेट खोली। तो अब भी आ रहा हूँ, देख सकते हैं इस रोड से। भाई ठंड बहुत लग रही है, भाई बोल नहीं सकता इतनी ठंड लग रही है। लेकिन भाई 5-10 मिनट बाद मेरा जो है बॉडी ना महसूस कर लेगा और जो है समझ जाएगा और आदत पे ढल जाएगा, उसके बाद कोई भी ठंड लगेगी मुझे। देख सकते हैं सनराइज होने वाला है। तो ये कुछ सुबह सुबह माल है खोर्धा, खोर्धा की भाई सुबह सुबह इस तरह के माल है यहाँ पर। गाइस ये मेरी कॉलेज फील्ड, आपको आगे कॉलेज के एंट्रेंस दिख रहे हो। तो सुबह सुबह कुछ इतने भीड़ होती है यहाँ के फील्ड पर, खुर्दा के फील्ड पर और पीएनआर कॉलेज खुर्दा के फील्ड पर सुबह सुबह भीड़। अरे भाई बहुत ठंड लग रही है, लेकिन फील्ड देख सकते हैं ज़बरदस्त फील्ड है। तो यहाँ पर कुछ रनिंग करेंगे, बहुत दिन के बाद आए हैं फील्ड पर, चलते हैं रनिंग करते हैं, ठंड लग रही है भाई। देख लो फील्ड पर कुछ इस तरह की प्रैक्टिस होती है, बहुत ही मस्त फील्ड है भाई ये। अब भी देखते बहुत साफ है, वहाँ पर आपको माउंटेन दिख रही होगी और थोड़ी थोड़ी ठंड भी पड़ रही है यहाँ पर, तो अच्छी लग रही है भाई। वहाँ मस्त वाले रनिंग करूँगा आज। लेकिन लेस मेरी खुल गई है अभी। रनिंग ख़त्म हो चुकी है, सर्दी का महीना इसलिए बहुत पेन कर रहा था चेस्ट। तो भाई इस तरह पेन करता, रुक जाओ और कुछ हो जाए, लेकिन रनिंग भाई ख़त्म कर ली। फाइनली पसीना आ गया है, देख सकते हैं इतनी ठंड पे। अभी करेंगे हम पर थोड़ा एक्सरसाइज और उसके बाद जाएंगे रूम में डायरेक्ट। देख सकते वहाँ पर मस्त वाला सनराइज हो चुका है फाइनली, टाइम इतना नहीं हुआ लेकिन सनराइज अभी हो चुका है फील्ड पर। मेरा जो एक्सरसाइज था वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर मस्त वाली सनलाइट चेयर पर आ रहे और भाई ठंड लग रही है क्योंकि शर्ट मेरा तो टी शर्ट पर पसीने से भीग गया है। अब भी मस्त लग रहा है यहाँ पर घूमने में, बड़ी फील्ड है और चलता हूँ रूम में। यूँ टाका है, टाइम जो है काफ़ी हो चुके हैं भाई, एक जाकर एडिटिंग भी करना है, कॉलेज भी जाना है, सब कुछ करना है, इसलिए भाई जा रहा हूँ अभी रूम। सुबह सुबह देख सकते हैं पेन अटनास कॉलेज खोर्धा की गेट अभी तक नहीं खुली है। 5 मिनट्स लेटर अब भी देख सकते हैं जैकेट डाल दो क्योंकि ठंड थोड़ी लग रही है क्योंकि हवा जो है ना यहाँ पर चल रही है। अब भी टाइम करीब 8:30 हो चुका है और हॉस्टल के इस साइड में हूँ, देख सकते हैं ये कुछ यहाँ से बहुत ऐसे धूप खिला हुआ है और यहाँ पर अभी फिलहाल भाई वीडियो अपलोड करने में आया था। देखते हैं अब भी हॉस्टल की बिल्कुल ही रोड वाली साइड में हूँ, इसके देख सकते हैं भाई इस वाल के उस साइड भाई रोड है और उस साइड कॉलेज भी आपको दिख रही होगी उस कॉलेज के बाद। तो ये मेरी हॉस्टल है, अब भी इस साइड भाई अब भी खड़ा हूँ। तो यहाँ से कुछ भाई जंगल वाला माहौल है, देख सकते हैं ये साइड जंगल है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं लाल मिट्टी, हमारे गांव में ना भाई लाल मिट्टी सिंपली रोड और जो है क्रिकेट ग्राउंड अच्छे से भाई बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही पड़ा है भाई। ये जो भाई घर है ना वो जैसे बना तो उसके लिए जो गड्ढा खोला गया पिलर के लिए, तो पिलर से इसी ये निकला मिट्टी से, ये मिट्टी नहीं है भाई लाल मिट्टी है। तो देख सकते हैं भाई गड्ढे से ये निकल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं पूरे ज़रा देख सकते हैं लाल मिट्टी है भाई। सोच रहा हूँ यही बिजनेस करूँगा, यहाँ पर 2 हाईवे लूँगा और यहाँ से भाई बाईपास से डायरेक्ट लूँगा हमारे गांव में और इसको जो है ना भाई लाल मिट्टी यहाँ पर ऐसे ही फ्री में ले जाऊँगा और वहाँ पर भेज दूँगा, बहुत ही प्रॉफिट होगा क्योंकि यहाँ पर तो फ्री में मिल जाएगा। सब भी टाइम करीब 10 बज चुका है और मैं जा रहा हूँ कॉलेज, बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ, एक वैकेशन के वजह से घर में रहेगा, देखते हैं क्या होता है, फिलहाल चलते हैं यहाँ से। गाइस अब भी आप देख सकते हैं इतने धूप में भी एनसीसी की प्रैक्टिस कॉलेज के ग्राउंड पर चल रही है। इस क्लास जो है ना ख़त्म हो चुकी है और मैं भाई आ गया हूँ हॉस्टल पर, देख सकते कितने धूप है यहाँ पर चेहरे पर। अरे देख लो आ गए हॉस्टल पर, हॉस्टल के ये गेट कहीं खुला है, देखते हैं अंदर जाकर क्या होता है। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन के जो है सामान आए थे गाड़ी में, इसीलिए ये वाली गेट भाई खुली हुई है अभी।
One eternity later. गाइस अभी जो है छत के ऊपर घूम रहा हूँ ऐसे ही, वहाँ पर जो है ना मस्त वाली सनसेट हो रहा है, तो आपको भाई दिखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं सनरे आपको दिख रही होगी यहाँ पर भाई, सनरे अब भी भाई चेहरे पर मस्त वाले आ रहे हैं, और वहाँ पर भाई घूमने में भी अच्छे लग रहे हैं, जैसे कितने भाई अच्छे से यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख लीजिए एक बार। तो गाइस ये देखो इमली, ये बिल्कुल इमली के जैसा दिख रहा है, ये कौन सी पेड़ है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इमली के जैसा ही दिख रहा है, आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन सी पेड़ है और कौन सी फ्रूट है, क्या हम उसे खा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भाई बच्चे क्रिकेट अभी यहाँ पर खेल रहे हैं, और वहाँ पर भी खेल चल रहा है, और भाई चार हो गया, नहीं हुआ भाई, देख सकते हैं ये कुछ खेल चल रहा है, अब भी पांच टाइम हुआ है तो खेल, वहाँ पर भी आपको फील्ड में खेल दिखेगा और यहाँ पर भी आपको फील्ड में खेल दिखेगा। छत गाइस अब भी जो है जा रहा हूँ फील्ड की तरह घूमने, लेकिन भाई अब भी से ना भाई ठंड लग रही है, पता नहीं रात पूरी रात को कितनी ठंड लगेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सूरज ना है भाई अच्छे से ढल चुका, क्रिकेट खेल खत्म हो गया, और हाँ ये क्या लेकर आए हो, ब्रेड है भाई, मैं ले जाता हूँ, मुझे खाना है, मुझे मैं भी खाऊंगा भाई से, मैं थोड़ी ना नहीं खाऊंगा मैं भी खाऊंगा, तुम खाओगे मैं भी खाऊंगा, हाफ हाफ कर देते हैं, कितने रुपए लगा, 10 रुपए, ठीक है ले जा और खा जा, तुम सच में ले जाऊंगा तो तो गाइस अंधेरा काफी हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ हॉस्टल पर और जा रहे हैं फिलहाल रूम। अब भी भाई अब देख सकते हैं सारे लाइट्स जो है हॉस्टल की ऑन हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि रात जो है ना काफी हो चुकी है, आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस टाइम जो है ना भाई सर्दी के मौसम में रात बहुत जल्दी हो जाती है भाई, इसलिए जो है ना सारे लाइट्स अभी ऑन होंगे और कुछ इस तरह से भाई उजाला हो जाएगा हॉस्टल पर भी, देख सकते हैं इस बिल्डिंग में भी लाइट थोड़ी अभी ऑफ है, लेकिन जैसे ही अंकल आएंगे तो सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगे धीरे धीरे, देखो भाई अब भी सारे लाइट्स धीरे धीरे ऑन हो रहे हैं हॉस्टल में, ये लाइट भी अंकल ने ऑन कर लिए, तो उसके बाद एक और तो रात के लिए जो डिनर के लिए अभी गैस के ऊपर चावल पक रहे हैं, देख सकते हैं अच्छे तरह से कि रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर भी देख सकते हैं गैस के ऊपर दाल पक रहा है, तो आज भाई चावल वहाँ पर पक रहे हैं, दाल यहाँ पर पक रहे हैं, उसके बाद ये देख सकते हैं अंकल जो है पत्ता गोभी अभी कटिंग कर रहे हैं, तो आज के डिनर भाई राइस उसके साथ दाल और भाई पत्ता गोभी की सब्जी, ये तो भाई आज का डिनर हमारा होगा। कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, देख सकते हैं बिल्ली अभी हमारे हॉस्टल की क्या कर रही है, अरे भाई भाई देख सकते हैं उसकी आग कैसे जल रही है, अरे भाई डिनर जो है मैंने ख़त्म कर लिया, डिनर में था वाइट राइस उसके साथ दाल और पत्ता गोभी की सब्जी, भाई बहुत ही टेस्टी था, मैंने अभी ख़त्म कर लिए, भूख जो है मिट गई है फाइनली, बस इस ब्लॉग में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, तो ये दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग का जो है यहीं पर एंड कर दें।